यो झांसा राम ने ना, यो आसा राम का भाई जो मोदी झांसा राम ने जो झांसे दिए ना, ये 15-15 लाख रुपए खाते में भिजवा मम्मा, फलाना कर मम्मा, ढिमकाना कर मम्मा, बैंक में अकाउंट खुलवा दूंगा, आ जाएंगे रुपए। ये झांसा राम है, झांसा राम ने झांसे मांगे पब्लिक, कोई नहीं देता सब वोट। इस बार झांसे में नहीं आएंगे आप लोग, पता लग गया नोटबंदी करता है और कुछ लोग मोदी ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, मैं फकीर हूँ झोला उठा के ले जाऊ। मैंने मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी, इन्होंने तो देश को फकीर बना दिया, झोले पे आगी बात, इन्हें झोला जो है लोगों के हाथ में ये भिखारी बना रहा है। झोला जो दे रहा है ना, ये जो 1-1 किलो का पैकिंग बना के, 5-5 किलो का पैकिंग बना के जो दे रहा है झोला, उद्योगपतियों को कह रहा है यहाँ से भर भर लेके चलो, बाद में मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। इन्हें किसानों पे झोला उठवा दिया, मजदूरों पे झोला उठवा दिया, ये इसका झोला है। तुमसे उगलवाना, तुमसे हमारे जरिए से हमसे उगलवाना चाह रहे हैं कि वोट किसा करोगे यूपी में। हर जगह 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों में ये उगलवाना चाह रहे हैं किसान से किसे वोट करोगे। वो यो देख रहा योगी कि ये पहले किसान हो जाए, उसमें पलटा फिर दोबारा पलटा मारेगा, मारेगा कोई ना कोई बहुत तेज आदमी है भाजपा वाले, ये फिर मारेंगे पलटा। ये सोच रहे किसान पहले यो कह देंगे हम वोट समाजवादी को करेंगे तो ये और पलटा मारेंगे। योगी कर देगा, उन्हें बढ़ा दिया भाव कर दिया तो आ देंगे वो पलट जाएंगे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी चैनल है एबीपी न्यूज़, भाई जो देख आप सभी देखते होंगे एबीपी न्यूज़, नहीं नहीं आप चैनल है एबीपी न्यूज़ टीवी चैनल है, उसने सर्वे किया उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा तो उसमें जो बताया गया है उसमें 200+ सीट जो है बीजेपी की बताई गई है एबीपी न्यूज़ के। तो क्या लगता है आप कितना सच है कितना झूठ है, क्या समझते हैं आप? बीजेपी ने दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल वो बना था ना मुख्यमंत्री और चुनाव लड़ा था, जब बीजेपी ने दावा ठोका था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, बंगाल में भी, बंगाल में इन्होंने अपने वहां से हमारी सरकार मुट्ठी चावल, दो मुट्ठी चावल हमारी सरकार बनेगी, कहां गई वो सरकार? बीपी न्यूज है, अरे तो इसकी सरकार बनेगी। देखो बीपी न्यूज उसका जो हम तो जवान कहां गई इसकी, तुम यो लिख रही हो सर्वे तो मीडिया ने, सर्वे तो मीडिया ने दिल्ली के भी करे बंगाल के भी करे, सब मैंने कहा ये जीतेगा जीतेगा, कोई नहीं जीता बीजेपी का, कोई नहीं जीतने का बीजेपी का, भाई भी लगाया हुआ है बीजेपी का, हाँ बीजेपी का कोई भी नहीं जीतने का, बीजेपी का नहीं जीतने का, सूपड़ा साफ हो चुका 2021 से ही देख लियो बस, ना मुख्यमंत्री रहना ना प्रधानमंत्री रहना, बीजेपी खत्म। सूपड़ा साफ तो नहीं होने का, सूपड़ा तो साफ ना होने का, वो नहीं होने, क्यों नहीं होने का सूपड़ा साफ तो नहीं होने का, जो योगी है पहले तो सिर मुंडाने का लियो था 8 दिन में उस्ता फिर था, अब 30 दिन फिर रहा। वो लालू यादव ने कहा था ना जी तुम बाल में कंघी क्यों नहीं करते, तो उसने कि उन्होंने कहा था लालू यादव ने वो बाल में कंघे में नू नहीं करता, जो मेरी खोपड़िया में राजनीति भरी हुई है वो कंघे में दिखाई दे जाए लोग उसे राजनीति पढ़ लेंगे, तो ऐसे ही योगी सपाट रख रहा है। राजनीति बहुत तेज है, बहुत फेंकेगा भी जाल, फंसेगा चाल, वो गिरेगा हम ही टुकड़ा बांटेगा। अच्छा कल जैसे महापंचायत है राकेश टिकैत साहब क्या ऐलान करने वाले हैं, आपको कोई खबर है इस चीज़ की? नहीं यो तो ऐलान वो संयुक्त मोर्चे के जितने भी संगठन हैं 40 संगठन वे करेंगे। ऐलान तो कुछ नहीं होने का, ऐलान नहीं होने का कुछ, जो आप जहाँ जहाँ ले जाना चाह रहे हो आप वो नहीं होने का, वो घोषणा कोई नहीं होने, घोषणा गुप्त रहेगी, वही जो तुमसे हमने बताया वोट वाला, हम पे एक वोट का ही दम है और कोई हटा नहीं सकते, बस हम इसमें जो वोट की कर सकते हैं इसमें यूपी में जो सांसे भरे हुए लोग हैं। ये तमाम आंदोलन देश में अशांति और आक्रोश आप सारे देश में घूमते हैं, बड़े प्रसिद्ध आप चैनल से हैं, एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दे दो खड़े खड़े। 3 कृषि कानून बने पास हुए,
ग्यारह बारह दौड़ 40 यूनियन ने बुलाई गई चिट्ठी डाल के नरेंद्र सिंह तोमर नरेंद्र तोमर ने 40 यूनियन बुलाई 11 बार बात हुई। जब कानून बन रहे थे तब ये यूनियन को चिट्ठी क्यों नहीं दी, क्या हम ये बना रहे हैं आपके लिए? जवाब दे दो सरकार। मैं आपको जवाब देता हूँ चीज का। सरकार कह रही है कि ये जो किसान बिल है ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान इनको समझ नहीं रहा है। बिल्कुल, मैं जो आपसे कह रहा हूँ एबीपी चैनल को, मेरी बात आपने नहीं पकड़ी। जब ये बिल बन रहे थे बाद में तो 40 यूनियनों को 11 बार चिट्ठी लिखी आ जाओ बात कर लो, और जब ये बन रहे थे तब एक बार नहीं पूछा। अरे मुझे चलाते हो चैनल, जवाब दो, तब क्यों नहीं पूछा? किसान भाइयों आओ, हम ये कानून बना रहे हैं, तब क्यों नहीं बुलाया? मेरे से सवाल नहीं कर रहे हो, एबीपी न्यूज से सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, ऑल इंडिया कर्मचारी को 3% डीए मिलता है, रेलवे यूनियन बुलाई जाती है, रोडवेज बुलाया जाता है, 10 साल में तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, 10 साल में सैलरी बढ़ाई जाती है, ऑल इंडिया यूनियन बुलाई जाती है, भैया इतनी बढ़ा दें और किसान को बुलाया भी नहीं। वाह भाई वाह चालाक। तो किसानों ने दिया था ना भाजपा को इस बार, वोट तो सभी ने दिया था भाजपा को। मेरा सवाल आप स्लिप कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, आपने इस सवाल के ऊपर जवाब दिया है कि एबीपी न्यूज ने सर्वे किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें हैं। सर्वे पे नहीं बोलूंगा, सब पता है मुझे सर्वे। मालिक बताइए मालिक, ये जो गोदी मीडिया ना, ये जो गोदी मीडिया, ये सर्वे ही नहीं गए जी, किस तरह किसी मीडिया ने सर्वे नहीं बनाया यार, ये गोदी मीडिया के सर्वे है, सारे फैल हुए मजबूरी है सारे मीडिया के सर्वे। हाँ गोदी मीडिया के एबीपी न्यूज, ये सारे एबीपी न्यूज की बात है, गोदी मीडिया ये अपने आप ही, ये अपने आप ही डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, हम कोई टीवी पत्रकार नहीं है। ये तो अपने आप ही बना हुए, अपने आप ही सर्वे बना ले, अपने आप ही। ये बुजुर्ग बता रहे हैं, जैसे इन्होंने सवाल खड़ा नरेंद्र मोदी उसका, नरेंद्र तोमर का, तो मैं यही तो पूछना चाह रहा है कि भाई उनसे ये पूछना है कि संसद बड़ी है व्यापारी बड़ा है, संसद बड़ी है व्यापारी, तो उन्होंने कि संसद बड़ी है, तो जब संसद बड़ी है तो तुम ये बताइए कि संसद बिकी कैसे? वो उनके 6 महीने साल भर अभी हमारा होया नहीं, साल भर पहले बिल पास कर दिया इन्होंने, तो उन्हें पता था और व्यापारियों को पता था कि हम अपने संसद को खरीदेंगे, उन्होंने खरीद लिया, बुलाए भी नहीं।